बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुकिंग विद हस्बैंड में शेज, और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो हस्बैंड के बाद टाइम बचाते हैं और शेज से पूछते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। शनवारी कढ़ाई बन रही है आज हमारे किचन में। आज हमारे किचन में व्यूअर्स बन रही है शनवारी कढ़ाई। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ करा दूँ कि ये शनवारी कढ़ाई जो है ये पेशावर कोयटा में बहुत अच्छी बनती है, जो कि अब कराची में भी फेमस जगहों पे मिलती है, हाईवे पे भी मिलती है और अच्छे रेस्टोरेंट सारे अच्छे रेस्टोरेंट में मतलब लोग शौक से जाते हैं शनवारी खाने। तो अब हम आज आपको जेनियन रेसिपीज देंगे इसकी शनवारी की। और दूसरा ये कि जो बहुत अच्छे लवर हैं खाने के और बहुत यानी उनका शौक है अच्छा खाने का, तो हमने बीच में बनाई थी चिकन वाइट हंडी मलाई जी। और उससे पहले हमने बनाई थी एक कोयला कढ़ाई। तो उसकी दोनों की रेसिपी हम जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह, टाइम बचाते हैं, बताया जरा शेयर इसमें क्या क्या है आइटम सर। ये मैंने आधा किलो के वाट बल्कि मैं यहाँ से बताती हूँ। हाँ, ये मैंने एक किलो चिकन लिए और बहुत घर के मसालों से बहुत इजी और बहुत अच्छी बनती है रेसिपी। और रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये एक किलो चिकन ली है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, हल्दी 1 टेबल स्पून लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। और ये गार्निश के लिए अदरक लिए बारीक बारीक ऐसे कर लिएगा आप लोग। ये हरी मिर्चें लिए 7-8 और ये धनिया कुटा हुआ धनिया लेना है 1 टेबल स्पून जी। और नमक अपने हस्बैंड जायका लिएगा। आप कितना ले रही हैं? मैंने 1 टेबल स्पून और ये है गरम मसाला हमारा, तो ये है बिल्कुल थोड़ा सा टेबल स्पून से बहुत कम, टी स्पून जी, ये है मेन इसका सीक्रेट। और ये मैं आपको इसका भी बताऊंगी कि ये टमाटर इसका मैं बताऊंगी आपको मेन बात के मतलब लोग इतना मुश्किल समझते हैं इसमें शनवारी को। हाँ, इसके अंदर जो है ना टमाटर जो है ना थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट लेंगे, बिल्कुल वही रेसिपी आपको मिलेगी जो आप लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए। इसका टिप है बहुत जबरदस्त, थोड़ा सा सॉफ्ट, कोई भी नहीं बताता, हम बता रहे हैं, कोई भी नहीं बताता कि ये क्या कहते हैं, क्यों हमें आपसे मोहब्बत है और हम आपको जीनियन चीजें देंगे, जीनियन चीजें देंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे बहुत अच्छी। आप लोग जी हाँ, और स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल इसी तरह बनेगी जैसे मैं बना रही हूँ। सही है, जैसे अभी आपने अभी हम लोगों ने बनाई थी माशाल्लाह चिकन व्हाइट हंडी कढ़ाई, तो वो हमारी हमारी लिस्ट में पॉपुलर में सबसे टॉप 10 है जी। और उसके बाद हमारा प्लाव वगैरह भी था जो नए आने वाले हैं, मैं उनको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको दोनों के लिंक इसी में हम डालेंगे नए व्यूवर्स के लिए, पुरानों को तो सबको पता है। तो चले शुरुआत करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, चले व्यूवर्स से देखें मैं 1 कप डाल रही हूँ क्योंकि शनवारी में ऑयल ज़्यादा डलता है। अच्छा, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है। हाँ, मैं मस्टर्ड ऑयल में पका रही हूँ, आप लोग जो बेहतर समझे उसमें। आप इसको घी में ऑयल में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको ऑयल को गर्म कर लेते हैं व्यूवर, फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, अदरक लहसुन थोड़ा सा गर्म हो जाइए, और इसको आँच तेज करते हैं, गर्म हो गया। चलिए बिस्मिल्लाह, या अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहा है शायद जी। चलिए इसको कितने 1 मिनट बस जी, हल्का सा कलारना है इसको, हल्का सा कलार के फिर हम नीचे वो डालेंगे चिकन डालेंगे। सही, ताकि इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए, अदरक लहसुन का है जी जी। ठीक है, एक बार बस थोड़ा सा हल्का सा करना है अदरक लहसुन को, उसके बाद आप लोग चिकन को करना है। ये तकरीबन 1 kg है जी। अच्छा, इसको ड्राई रखना है जैसे शेयर में रखी है ना। वो काफ़ी देखिए, अच्छा इसमें हल्दी नहीं होती है और इसमें ज़रा पकाने में मुश्किल होती है। हाँ, लेकिन ज़रा अच्छा सा लुक आता है इसमें। अच्छा, बल्कि इसी में इसी में बनाते हैं वो लोग भी। अच्छा, हमारे पास इसका जो है सभी उसका टैप है जो हम इसको कवर करते हैं, लेकिन शीशे में ज़्यादा अच्छा लगता है।
अगर वो लोग तो बिल्कुल रब करते ना तो खड़क आवाज रही, फिर जाकर कवर दिया, फिर ये किया। तो अभी हम कितनी देर बना रहे थे इसको, हम दो तीन मिनट, दो तीन मिनट लगा इसको अदरक लहसुन के साथ करेंगे हाँ, ताकि फिर अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। अच्छा रिवर जी, हमने तकरीबन तीन मिनट तक इसको बनाया, तीन मिनट मैंने करा है इसको, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। अच्छा इस स्टेज पे नमक डालेगा, अगर सारा खेल ही स्टेप का है, स्टेप कर लेंगे ना तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमारे। अच्छा, नमक के अलावा भी आप फिर कुछ नहीं डालें? नहीं डालूंगी मैं। अच्छा स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊँगी मैं। अब क्या मसाले डालेंगे शायद इसमें? रिवर्स देखिए, इसके अंदर सिर्फ हमने हल्दी डालनी है इस स्टेज पे, इस स्टेज पे सिर्फ हल्दी डलेगी, सिर्फ हल्दी डलेगी, सारा खेल स्टेप का। ये जो बनाते हैं ना तो ये उनके सीक्रेट्स होते हैं ये सब जी, वो बताते नहीं, नहीं बताते नहीं चैनल पे भी कोई नहीं, ये तो बस समझ लें कि हम लोग बता रहे हैं ताकि हमारे जो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और हमारी फैमिली है यूट्यूब, ये बिल्कुल रियल रेसिपीज़ है। तो इंशाल्लाह अच्छा, हमारी मलाई हांडी के भी बहुत कमेंट्स हैं, वो आप नए जो लोग आए व्यूवर वो उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, वाइट मलाई हांडी जो कि 4K 300 से ऊपर जा चुकी है, क्रॉस कर चुकी है अलहमदुलिल्लाह, में बहुत कम टाइम में आप लोगों का प्यार मिला है और हमारा ब्लॉग भी ऐसे ही गया है, नेगेट्स भी ऐसे ही गए, और इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है आप सबसे कि इसमें भी अच्छे ही कमेंट्स आएंगे और ये भी इंशाल्लाह वायरल होगी। अच्छा इसमें ये पहले बता रही है क्या करके आनी है, साबुत डाल रही है, साबुत डाल रही हूँ टमाटर कि इसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट लाजमी होनी चाहिए, जितने सॉफ्ट होंगे उतना अच्छा, उतना अच्छा आपकी कढ़ाई बनेगी। अच्छा इसकी पीसेस नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना, इसको कवर करना है, कवर उसका दीजिएगा ठीक है, गला रखें इसको कार कवर ठीक। अच्छा ठीक, देखें व्यूअर्स ये मैंने रख ढाल दिया इसको, इसको कवर करना ज़रूरी है और ये ना 5 मिनट के लिए इसको लाजमी बंद करिएगा ताकि इसका ऊपर का छिलका उतर जाएगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अभी सेकंड स्टेप आपको बाद में, मैं आगे बताती हूँ। चलिए 5 मिनट बाद में बताते हैं। देखिए व्यूअर्स ये मैंने ना 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था, ये देखिए सारे कवर उतर चुके हैं इसके, यही इसका सेकेंड है, ये देखिए सारे उतार देगा आप लोग इसके कवर, इसके ऊपर नहीं छोड़िएगा, ये देखिए ये आते हैं सारे, ये पूरे पूरा आ गया, ये देखो ठीक ठीक है। इस तरह सारे टमाटरों का आपने उतार लेना है। देखिए व्यूअर्स मैंने सबके छिलके उतार दिए, सही बस फिर उसके बाद आपने। अच्छा आप कौन कौन से मसाले डालेंगे शायद इसमें? पहले हमें ये इसको मैश करना है इसी के साथ, मैश करना है। अच्छा जिससे ना हो वो काट के डाले, लेकिन असल मज़ा इसी में आएगा। अच्छा मैं आपको दूसरा दूँ क्या इसका स्पून? कोई दूँ जी, ये वाला इससे मैश कर। लेकिन असल जीनियन तरीका यही है, यही है, अगर जैसे किसी से ना बन पाए तो छिलके कैसे निकलेंगे उनके, वो फंस जाएंगे ना, वो तो उस तरह काट के डाले, लेकिन असल असल यही असल जीनियन बनती है ऐसी जी, बहुत आराम से उतर जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ देखिए मैंने बहुत आसानी से उतर गए, कोई इसका बड़ा मसला नहीं है, बस इसको आप लोग फिर भून लें अच्छे से। लेकिन दीजिए दो तीन मिनट जितने में ये टमाटर आपके मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए व्यूअर्स ये सारे मैंने टमाटर को मैश कर लिया, मिक्स हो गए इसके अंदर, अब हम डालेंगे इस स्टेज पे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर डाला इस पर हमने, मोटा मोटा सा मैंने क्रश कर लिया था, ज़ीरे को थोड़ा सा क्रश कर लिया था, ये धनिया पाउडर, धनिया। अच्छा गरम मसाला अभी नहीं डाला आप बता दीजिए इस वक्त, मैं अभी गरम मसाला नहीं डालूंगी ना, हमारी जो कढ़ाई है ना ब्लैक हो जाएगी, इसलिए इसे आखिरी स्टेज पे डालते हैं। अच्छा हमने गरम मसाला और ब्लैक पेपर बचा के रखी हुई जी, वो आखिर में डलेगा। व्यूअर जी अभी तक हमने ब्लैक पेपर और
गरम मसाला बचा के रखा दे दीजिएगा। ठीक है, बस हमने ये अच्छा मसाले डालनी है, बस अब इस दही के बाद डालनी है। दही के बाद डालनी है, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हर चीज स्टेप पे होगी ना तो बस शनवारी बनेगी, वही मजा आएगा आपका, शनवारी ही बनेगी जो आप लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, और बहुत अच्छा फ्लेवर होता है इसका। अगर आप जल्दी जल्दी इसमें मसाले मिक्स ऐड करते चले जाएंगे ना तो नहीं बनती है, शनवारी नहीं बनेगी। अच्छा सालन बन जाएगा कुछ, लेकिन शनवारी नहीं बनेगी आप लोग। हाँ सालन तो अच्छा बन जाएगा। आपको यही चाहिए रेसिपी तो एक एक स्टेप को आपने वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया। सही, अच्छा मिर्चे दूंगा आपको। हाँ अच्छा, बाद लोग इसे बगैर उसके डालते हैं, मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, इस तरह ही डाल ली हूँ क्योंकि मुझे इस तरह अच्छा लगता है, और क्योंकि बारी में इसी तरह जी हाँ बास जो है ना इसमें काफ़ी मिर्चे तेज़ होते हैं तो फिर वो कढ़ाई का मज़ा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे कटिंग नहीं करती ऐसी बात, क्योंकि इससे अंदर का नहीं पता होता ना कि कितनी तेज़ निकलेगी क्या, और वैसे लुक भी इससे बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब हमारा गार्निश बाद में होगी, वो व्यूअर्स हमारी गार्निश जो है वो बाद में करेंगे, अभी जो मसाले हमारे बाकी जी। अब मैंने इसलिए उनको उसको नहीं डाला था ब्लैक पेपर को कि क्या कहते हैं मेरी कढ़ाई उस स्टेज पे डाल देती तो काली हो जाती, ये टिक है, ये हमने ब्लैक पेपर डाली और मसाला, और ये अब हम डालेंगे दही के थोड़ी देर गर्म मसाला, देख लें बिल्कुल थोड़ा सा है, छोटा टी स्पून जी, हाँ वो भी हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून बस फ्लेवरिंग के लिए डाला है, सिर्फ फ्लेवर के लिए चाहिए, एक अच्छा सा फ्लेवर चाहिए, क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे, सही है, क्योंकि हम सालन नहीं बना रहे तो इसलिए हमने हाफ टी स्पून के लिए छोटे कम डाल, बस यही टिप होते हैं खास खास जो स्टेप होते हैं, कितनी देर रह रही भाई, अब तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बस ये हो गई है तैयार, ये देखें हमारा ऑयल छूट गया है मसाले में से, खूब अच्छे से भुन गया, तो ये हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हमारी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डालना था यानी है। जी जी, ये सब बिल्कुल बिल्कुल आखिर में डालते हैं, ये देखिए फिर हमारी तैयार हो गई, फिर हम आपको दिखाते हैं गार्निश करके दिखाते हैं, और आपको हमारी वीडियो इंशाल्लाह कैसी लगी, मेरा ख्याल एंड ही है ये जी जी, चलिए तो व्यूवर्स मैं आपको दिखाती हूँ ना गार्निश करके, गार्निश करके दिखाते हैं, चलिए ठीक है। देखिए व्यूवर्स ये तैयार हो गई है, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, गार्निश करेंगे अच्छे से। अच्छा अच्छा, ये काटी भी हुसैन नहीं है, ये व्यूवर्स को बता दें ये मसाला है, ये मैंने बारीक बारीक चॉप करी है, इसमें लाजमी डलती है, ये इसकी जान है जी। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर कोई किसी वजह से नहीं खाता तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो व्यूवर्स आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा। अच्छा, जो हमने पहले बताया था कि इसके लिंक इसमें डाल देंगे जी, तो इंशाल्लाह वाइट चिकन हांडी की और कोयला कढ़ाई की जी इसी के अंदर, इसी के साथ डाल देंगे ताकि जो शौकीन है खाने वाले उनको ये रेसिपीज इसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और इसको सब्सक्राइब नए आने वाले ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।